बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अचारी चिकन टिक्के की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, गरम गरम पराठे और नान के साथ खाएं, मज़ा दोबाला हो जाएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिए 500 ग्राम, इसको मोटे मोटे पीसों में काट लिया है और इसको ड्रेन करने के लिए रख दिया था, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, लेमन जूस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1.5 टेबल स्पून। आप नमक और मिर्च अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर हम सेकेंड स्टेप की तरफ आएंगे। यहाँ पर एक पैन को मैंने बहुत स्लो आँच पर गर्म करा है और इसमें 2 टेबल स्पून मक्खन डाला है। आप देख सकते हैं मक्खन बिल्कुल एकदम से नहीं पिघला है, क्योंकि बहुत धीमी आंच पे है तो इसलिए मक्खन नहीं जलेगा। इसमें ऑयल नहीं ऐड करिएगा। स्लो आंच पे जब मक्खन पिघल जाए तो इसमें हम बेसन डालेंगे 1 टेबल स्पून फुल भर के। फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो और ये अच्छा सा स्मूथ चाहिए हमें। तो आप देख सकते हैं मुस्तकिल मैंने इसको चूल्हे पर नहीं रखा है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चूल्हे पर रख रही हूँ और फिर उठा लेती हूँ। तो एक स्मूथ सा हमें ये चाहिए और ये अच्छा सा बस हमें बेसन फ्राई करना है। मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे भी नहीं और ये अच्छे से मिक्स होता रहे और अच्छे से ये भुन जाए बेसन जो है। बस आप देख सकते हैं कि ये देखें, बस अब ये रेडी पर है। तो अब इसको हम रख देंगे और जब तक ये ठंडा होता है तो हम दूसरे स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून लेवल करके, 1 टीस्पून फुल भर के हमने सौंफ लिए और राई लिए हमने 1 टीस्पून लेवल करके और 1/2 टीस्पून हमने काला नमक लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में जो है वो अच्छे से पीस लेंगे। बस इसको पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा हमने धरधरा सा ही हमें चाहिए। आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं क्योंकि हमें पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए, थोड़ा सा मोटा मोटा चाहिए। ये आप देख सकते हैं, देखें ये देखें थोड़ा सा मोटा है। अब ये सारे मसाले को हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये भी ठंडा हो चुका है, अब हम इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब ये हंकड़ चाहिए हमें, मतलब बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए दही में। अगर दही में पानी है तो आप आधे घंटे के लिए इसको बारीक छन्नी में रख दें तो ये दही जो है इसमें मिक्स कर दिएगा 1 कप के बराबर। अच्छे से हमने मिक्स करना है सब चीज़ों को। अगर आप चाहें तो फुल नाइट इसको रख दें, फिर नेक्स्ट डे आप इसको फ्राई कर लें पहले से, अगर आप प्लान बना लें। अगर नहीं तो फिर आपने इसको 2 घंटे तो ज़रूर इसको फ्रिज में रखना है। बस 2 घंटे के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। ऑयल जो है वो गर्म हो जाए बस, फिर हम इसमें 1-1 पीस डालते जाएंगे और 2 से 3 मिनट एक तरफ और 2 से 3 मिनट जो है वो पलट के हम इसको फ्राई कर लेंगे। बस गोल्डन ब्राउन होने पे नहीं बल्कि हल्का हल्का सा साइड जो है इसके ज़्यादा डार्क होने चाहिए, तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये देखें ये इस तरह से होना चाहिए, वैसे ये इस तरह। और अगर थोड़े से जो गोल्डन से हैं, रेड से गोल्डन से, तो उनको आपने दोबारा पलट के इसी तरह से आपने करना है इसको। तो अब हम निकाल लेते हैं, ये देखें ये दोनों तरफ से इसी तरह से। तो अब इसी तरह सारे चिकन टिक्कों को जो है हम फ्राई कर लेंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।